नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20,000 जीके की जो सीरीज चल रही है हमारी, तीसरा पार्ट देखेंगे। उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना देनी थी आपको, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं समझी मैंने। देखिए, ये जो हमारी वेबसाइट है www.studyforcivilservices.com, ठीक है, .com है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ में जो दिख रही है studyforcivilservices.com, ये वाली साइट है। इस पे अगर आप जाएंगे तो एक हमने कॉन्टेस्ट चालू किया है, ठीक है। वो कॉन्टेस्ट में आप अगर पूरे क्वेश्चन के आंसर दे के हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं तो आपको, देखिए, तो आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। 250 रुपये इसका प्राइस है पहला, और प्लस 10 प्राइज और हैं, और प्लस अगर आप शेयर भी करेंगे ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो भी जो जीतेगा, अगर मान लीजिए आप नहीं जीत पाए और आपके दोस्त कोई जीत गया, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्राइज मिलेगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसीलिए ये इसकी लिंक है, देखिए, आप studyforcivilservices.com खोलेंगे तो कॉन्टेस्ट में जाएंगे। कॉन्टेस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे वहां पे जाके, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ये सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे कि प्राइज मनी है इसकी। और ये 3 दिन होगी हफ्ते में, कल है पहला टेस्ट ट्यूजडे को, और फिर है आपका थर्सडे को, फिर फ्राइडे को। पहला प्राइस है 250 रुपये, और फिर 100 100 रुपये 10 लोगों को ऑफ मिलेगा, और प्लस जो लोग शेयर करेंगे उनको भी मिलेगा। देखिए, ये कोऑर्डिनेटर है कमलाक झा जी, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका नंबर 9713-2828-2838। पूरी जानकारी के लिए पूरा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। मेनली बात ये कि आप जितने बार भी टेस्ट दो आपके हाइएस्ट नंबर आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये कि सबसे पहले जो हाईएस्ट नंबर लाएगा उसी को वो टेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसी को मतलब ये जो इनाम मिलेगा। इसके लिए आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, सब कुछ इसमें फ्री में है। ये बस आपको www.studyforcivilservices.com में जाना है, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, www.studyforcivilservices.com। तो ये आपको इसमें जाना है यहाँ पे। और देखिए, यहाँ पे अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आप देखिए, हमारे यहाँ जो ये टेस्ट है ना, ऑनलाइन फ्री टेस्ट, इसको आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको जब अटेम्प्ट करेंगे तो जो रिजल्ट है आपकी मेल पे जाता है, ठीक है, हमारे पास नहीं आता है। बस वो आपको रिजल्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजना पड़ेगा। बाकी सभी जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिखे हुए हैं, कोई 1 रुपया देना नहीं है, बस पैसे जीतेंगे आप। और ये वाली अगर इसमें हम लोगों को सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन दिखा, तो अभी जो ये टेस्ट है RRB और SSC CGL एग्जाम के लिए हैं, जो ग्रेड बी वाले एग्जाम्स होते हैं। फिर हम लोग बाकी एग्जाम्स के लिए भी लाएंगे आपके लिए टेस्ट। इसमें पूरा पैटर्न वही है, रीजनिंग और मैथ और GK और करंट अफेयर, ये सब आएगा। फिर हम लोग और भी बहुत बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें। और आप लोग इसको शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आप नहीं जीत पाए तो अगर आपका दोस्त भी जीता तो भी आपको कंसोलेशन प्राइज मिलेगा। तो चलो अब इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। ये हम लोग देख रहे थे, देखिए, 20,000 जीके की सीरीज है ये। नीलेश कुमार जी की बुक है, आप इसकी देख लीजिए, ये है इनकी बुक, DDN पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। हम लोग 2 पार्ट बना चुके थे, और मैंने आपको यहां तक करा दिया था। कहां तक? 50 हम लोगों ने फैक्ट देखे थे कल, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 50 तक हम लोग देख चुके थे यहाँ पे, और 50 अभी आज आज की डेट में, आज देखिए मैंने ये भी किया है कि कुछ पिक्स इंक्लूड कर दी ताकि उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं ना वो भी देखेंगे हम लोग। यहाँ तक तो हम लोग देख ही चुके थे 50 वाले तक, ठीक है, कि 2 प्लैनेट जिनका कोई सेटेलाइट नहीं, वो कौन कौन से? मरकरी और वीनस। तो मरकरी और वीनस 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका कोई सेटेलाइट नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है, गिवेन स्टेटमेंट वाला, एल्बिडो। देखिए, एल्बिडो क्या होता है कि मान लीजिए अर्थ है कोई, ठीक है, अर्थ है, और उस पे अगर आप देखेंगे कि अर्थ पे कोई एनर्जी, अगर आपकी मतलब, एक मिनट में पीक दिखाता हूँ फिर। ये देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो इस पे अगर एनर्जी यहाँ पे आपकी किसी तरह आई और उससे कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो जितना जो रिफ्लेक्टिंग परसेंट है उसका अगर परसेंटेज आप निकालें तो वो होता है एल्बिडो। देखिए, ये डेफिनेशन भी अगर आप देखेंगे विकिपीडिया में लिखा हुआ है क्या, कि मीजर ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन आउट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन, ठीक है, और इसमें 0 से लेके 1 तक है ये। 1 का क्या मतलब हुआ कि जिसने पूरी जो है अपनी इंसिडेंट जितनी भी हुई उसके ऊपर रेडिएशन पूरी रिफ्लेक्ट कर दी, और आपका 0 का मतलब हुआ कि पूरी ऑब्जॉर्ब कर ली। ऑब्जॉर्ब कौन सी बॉडी करेगी? ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये है एल्बिडो, और एल्बिडो के बारे में क्वेश्चन कई बार आता रहता है। सिंपल भाषा में यही आप समझिए कि अगर आपकी जितनी एनर्जी आई उसमें से कितना परसेंट रिफ्लेक्ट होगी। मान लो 100% आ रही है, 20% रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका एल्बिडो कितना हो गया? 0.2 हो गया, ठीक है, पॉइंट, क्योंकि 20/100 हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि एल्बिडो जो होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, उसकी विजुअल ब्राइटनेस जब आप रिफ्लेक्टेड लाइट में देखेंगे, और एल्बिडो जो मरकरी का है वो बहुत बहुत कम है आपका अर्थ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्लैनेट को ट्विन स्टार ऑफ द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ कहते हैं? ये वीनस है। देखिए वीनस को ही ट्विन सिस्टर बोलते हैं, वीनस को ही मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, वीनस को ही इवनिंग स्टार बोलते हैं, और वीनस ही वो प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है, शुक्र। तो जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है, उसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, और ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। वीनस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर जो मैनगलन स्पेस क्राफ्ट है, ये भी वीनस के लिए यानी कि शुक्र ग्रह के लिए स्टार्ट लॉन्च किया गया था। हॉटेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है सोलर सिस्टम का? वीनस है, मरकरी नहीं है, याद रखिएगा। मरकरी जबकि उसके बगल में है। देखिए जो अगर आप सन देखें तो सन ये है, और यहाँ से क्या है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, ठीक है। तो माई वेरी एफिशिएंट यानी कि फिर आपका अर्थ है, फिर मदर यानी कि मार्स है, फिर जुपिटर यानी कि जस्ट है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रिक एक एनसीईआरटी में लिखी हुई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि मरकरी वीनस अर्थ और फिर माई वेरी एफिशिएंट मदर, फिर वे मार्स जुपिटर और सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इसके हिंदी नाम आपको पता ही होंगे, वीनस का होता है शुक्र। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब कई बार आते रहते हैं, ये यूनिवर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आप देख लीजिए एक बार, कम से कम ये पीसीएस एग्जाम और एसएससी एग्जाम में जरूर आएंगे। नेक्स्ट इसमें है कि आउट ऑफ वीनस मरकरी मार्स और जुपिटर, इनमें से कौन सा प्लैनेट यानी कि कौन सा ग्रह है जो है अर्थ से नियरेस्ट है, ठीक है, वो कौन सा है? वीनस है। जबकि वीनस भी है अर्थ के बगल में, देखिए अर्थ के इस साइड लेफ्ट साइड में वीनस है, उस साइड में मार्स है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है? वीनस ही, याद रख लीजिए, फैक्ट है ये। तो वीनस के बारे में क्या क्या फैक्ट हो गए? मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, अर्थ के सबसे क्लोज है, ठीक है, ट्विन सिस्टर बोला जाता है। देखिए इस बुक का जो हिंदी एडिशन है वो मैंने नीलेश कुमार जी को बोला है, वो उन्होंने अभी सब काम बंद करके इसका हिंदी वाला एडिशन करना चालू कर दिया है ट्रांसलेट, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को प्योर हिंदी में मिलने वाला है, ठीक है। प्योर हिंदी में भी मिलेगा, प्योर इंग्लिश में भी मिलेगा, लेकिन इसको मैं बताऊंगा इंग्लिश वाली भाषा में ही, ठीक है। जो प्योर हिंदी वाला होगा वो प्योर हिंदी में बताया जाएगा, तो जो जिसको थोड़ा बहुत नॉर्मल इंग्लिश वाले टर्म समझने वो यहाँ से समझे, उसको मैं नहीं बताऊंगा, जो प्योर हिंदी वाला है उसके लिए अलग ट्यूटर रखा जाएगा, पूरा आपको बताया जाएगा उसमें, एक एक फैक्ट बताया जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि कौन कौन सा आपका ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हैं, और जो बी है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि यानी कि जो आपकी वीनस यानी कि शुक्र पे आपकी मानव जाति, मानव मतलब क्या बोलते हैं यार, ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव सभ्यता का जो आपका एग्जिस्टेंस है वहाँ नहीं हो सकती, असंभव है। इम्प्रोबेबल का क्या मतलब होता है? कि असंभव लगभग है, ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये सबसे पहले किसने बोला था कि अर्थ स्फेरिकल है? ये बोला था अरिस्टोटल ने, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पे जाके कर सकते हैं, याद रखिएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है www.studyforcivilsciences.com है, डॉट के बाद और कुछ नहीं है, डॉट कॉम है, ठीक है। एक चोर है यूट्यूब का, उसने डॉट के बाद कुछ और लगा के हमारे नाम का यूज़ कर रहा है, वैसे तो उसकी वेबसाइट चलती नहीं, नाम यूज़ कर लिया इसलिए चलती है। नेक्स्ट है इसमें आपका, अगर डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में जो है उसको 1/4 कर दिया जाए तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की होगी? देखिए ऐसा है कि ये है सन, ठीक है, अर्थ उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूम रही है, ठीक है, घूम रही लगातार। अब ये कह रहा है कि आप डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कर दो, तो यानी कि सन एंड अर्थ की पहले इतनी डिस्टेंस थी, अब यहाँ से मान लो इतनी कर दी, 1/4 कर दी, तो अब अर्थ क्या है, ऐसे घूमेगी। अर्थ ऐसे घूमेगी तो क्या होगा कि अर्थ अभी तक 365 दिन और समथिंग आवर्स में पूरा करती थी एक चक्कर, तो जब ये कम हो जाएगा इसकी डिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कम टाइम लगेगा, है ना। ये वाला जो इलिप्टिकल शेप पूरा करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है आपकी, अब इलिप्टिकल में रेडियस तो अलग अलग जगह होती है, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए कि एक सर्कुलर उसमें डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहाँ पे जो आपका टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे भी आपका रिवोल्यूशन वाला टाइम घट जाएगा, बस यही इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अर्थ इज नियरेस्ट टू, देखिए अर्थ इज नियरेस्ट टू सन, अब देखिए ये दो कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअली, एक होता है एपीएलियन, एक होता है पेरीएलियन। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि पेरीएलियन का मतलब हो गया पास और एपीएलियन का मतलब हो गया दूर, अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर, पेरीएलियन हो गया आपका पास। तो
तो ये है आपका एपीलियन का मतलब है कि जब सन से बहुत ज्यादा दूर होता है, फार्देस्ट फ्रॉम द सन होता है। पेरिलियन का मतलब है क्लोजेस्ट टू द सन होता है, जब अर्थ की पोजीशन ये होता है 3 या 4 आपका जनवरी को, करीबन 4 जनवरी लिखा हुआ है वैसे, नासा की पिक है। और ये एपीलियन होता है 5 जुलाई को, 4 जनवरी 5 जुलाई यही है इसकी डेट। 3 जनवरी भी कई कई जगह लिखा होता है, मेरे हिसाब से 3 या 4, ये दो अगर दोनों आएंगे तो आप मानिएगा, मेरे हिसाब से तो 4 वाला ही, क्योंकि नासा वाली पिक्स में यही लिखा हुआ है। और या तो 3 या 4 जनवरी होगा, ठीक है, और 5 जुलाई याद रखिएगा। 5 जनवरी को क्या है, 5 जुलाई को क्या है, वो वहां पे अपार्ट है, एपीलियन वाली पोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अर्थ की जो एक्सिस होती है रोटेशन की, पोलर एक्सिस है, वो हमेशा इंक्लाइंड रहती है 23.5 डिग्री, किससे, इलिप्टिकल एक्सिस से, यानी कि ऑर्बिटल प्लेन से वो होती है, ठीक है। ये देखिए अर्थ ऐसा है कि अर्थ ये है, मान लीजिए अर्थ ऐसी है, ये है 23.5 डिग्री यहाँ पे, और ये इसका मेन है आपका, ठीक है। तो ये आपका देखिए जो ऑर्बिटल वाला प्लेन होगा आपका, उससे होगी ये, ठीक है। अभी और भी एक पिक है उसमें दिखाऊंगा। अर्थ इज इंक्लाइन टू इज ओरिजिन एक्स इज एट 23.5 डिग्री, एक्चुअली मैग्नेटिक एक्सिस वाला है, अभी कॉन्सेप्ट उसमें समझाएंगे। फिर देखिए क्या है, डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं, पहली बात डे और नाइट होते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। वेट जो किसी भी बॉडी का होता है, वेट का क्या मतलब होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि mg, तो वेट होता है मैक्सिमम पोल पे। मिड नाइट सन कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ पोल पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लो आप सर्फेस ऑफ अर्थ में, और फिर आप ये बताओ कि टेम्परेचर एट ए गिवन टाइम ऑफ डे वो कब आपका हायर होगा, समर में मतलब हायर होता है, ये किस लिए होता है, क्योंकि जो सन रे होती है आपकी जो विंटर जिस साइड होती है वहां पे इंक्लाइंड हो जाती है, तो वहां पे पूरी मैक्सिमम हीट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है इसमें कि चेंज इन सीजन, सीजन क्यों चेंज होते हैं, रिवोल्यूशन अराउंड द सन और आपका जो अर्थ की एक्सिस है 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, दोनों रीजन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपका, आपको ये जो स्टेटमेंट है इनमें से बताने हैं कौन कौन से करेक्ट हैं, ए और सी वाला करेक्ट है। नॉर्दर्न जो एंड है आपका नॉर्थ पोल है, और ये पैरेललिज्म होता है, ये तो सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या पूछ रहा था। इसमें नेक्स्ट इसमें कौन सा करेक्ट है, 70 वाला, ठीक है, इसमें केवल तीसरा वाला करेक्ट है इसमें, ठीक है। और ये है कि अर्थ की मैग्नेटिक जो इक्वेटर है वो पास करती है थुम्बा साउथ इंडिया से। वैसे कुछ कुछ जगह में ये भी लिखा हुआ है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ हेमिस्फीयर का, वो कनाडा से पास होता है, ये वाला मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ में आ पाया और ना मिल पाया करेक्ट। मैं एक बार राइटर से कंफर्म करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए एक चीज ये है यहाँ पे कि ये है अर्थ की एक मेन एक्सिस, ठीक है, तो 23.5 ये किससे, एलिप्टिकल एक्सिस से हो गया, ये उसका ऑर्बिटल प्लेन हो गया। अब देखिए जो मैग्नेटिक वाली एक्सिस है इसकी, वो आपकी जो ये जोग्राफिकल, इसका मतलब जो अर्थ का जो जोग्राफिकल पोल हो गया नॉर्थ वाला, उससे 11 डिग्री पे है, तो ठीक है याद रखिएगा दोनों चीजें। अगर आप ये ऐसे देखेंगे कि इलिप्टिकल प्लेन जो है वो कितना, 23.5 डिग्री हो गया, ठीक है, और इसी को ऑर्बिटल वाले प्लेन बोल रहे हैं। और जो आपका मैग्नेटिक एक्सिस है वो किससे, वो इस वाली लाइन से, इस वाली से, ठीक है, जो ये वाली है इससे 11 डिग्री पे है, तो ये याद रखिएगा, ये फैक्ट है, ये आ सकता है एसएससी और पीसीएस एग्जाम में। नेक्स्ट इसमें है कि अगर आपने एक बॉल थ्रो कर दी आउटसाइड, मतलब बाहर फेंक दी आप आर्टिफिशियल से सेटेलाइट से, तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी सेम ऑर्बिट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्टेटमेंट, एक्चुअली ये वाला इन्होंने गलत लिखा है, इन्होंने लिखा था ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, एक्चुअली ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आर्टिफिशियल को हमेशा लॉन्च किया जाता है अर्थ से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात है, और जो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, और जो सेटेलाइट होता है इसीलिए इसके वेलोसिटी अटेंड कर लेते हैं, दोनों ही सही है स्टेटमेंट ये, ठीक है, और बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका अप्रोक्सीमेट मीन वेलोसिटी कितनी है अर्थ की अराउंड द सन, ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट इसमें है कि कितनी डिस्टेंस कवर करती है अर्थ 1 मिनट में, जब अपनी रोटेशन मतलब कर रही है अराउंड द सन, 27.83। डायमीटर ऑफ अर्थ कितनी है, 12,800 किलोमीटर है। अच्छा, डायमीटर जो इक्वेटर पे है वो ज़्यादा है और पोल पे है वो कम है। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस कितनी है, 40,000 है, ये भी आपके इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल पे कम है, ठीक है, क्योंकि बल्ज है थोड़ी सी, मतलब ऐसा है जैसे ऊपर से दबा दिया गया है, ऊपर एक आपने गोला लिया और ऊपर से थोड़ा सा दबा दिया, तो इसीलिए इक्वेटर पे ज़्यादा सर्कमफ्रेंस हो गई, पोल पे कम हो गई, ठीक है। अब इसके बाद है कि कोर जो होता है आपका मून का, वो क्या होता है, विस्कस लिक्विड है ये। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंडिंग द डिजर्ट ऑन द अर्थ, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 23 डिग्री लेटीट्यूड पे है। हॉर्स लेटीट्यूड किससे रिलेटेड है, नॉर्थ और साउथ वाला, 30 डिग्री। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये जो 4 बॉडी दी हुई है, कौन सा स्टार सन सॉरी अर्थ के नियरेस्ट है, वो ये सन है इसमें, ठीक है,
अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लगता है जो लाइट होती है सन से अर्थ तक आने में, 500 सेकंड लगता है। यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकंड होना चाहिए, ये भी एक थोड़ा सा करेक्शन है, बीच बीच में कुछ करेक्शन आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। 500 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। कौन सा जो एलिमेंट है आपका मैक्सिमम शेयर है अर्थ क्रस्ट में, ये है ऑक्सीजन। देखिए ये आप पिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये है प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन अर्थ और इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, आयरन है, ठीक है। पूरी अर्थ में आयरन है, आयरन 35% है, 30% ऑक्सीजन है, 15% है सिलिकॉन, फिर है 13% मैग्नीशियम। और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है 47%, 28% है सिलिकॉन, 8% है एल्यूमिनियम। तो अगर अर्थ क्रस्ट में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, तो आपका है एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन सिलिकॉन तो मेटल नहीं है ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है इसमें। फिर ये है आपका आउट ऑफ सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, कौन सी हाईएस्ट है आपका अर्थ क्रस्ट में, अभी बताया मैंने ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है ऑक्सीजन के बाद, सिलिकॉन है, अभी हमने देखा, ठीक है। मेंटल के बिलो क्या होता है, कोर जो होता है वो जनरली FeNi होता है ना, NiFe, तो आयरन से ही होता है मेनली। और इसके बाद ये इन चारों में से अर्थ के नियरेस्ट कौन सा है, मार्स है। अर्थ कहाँ लोकेटेड है, वीनस और मरकरी, अभी मैंने बताया आपको, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, वही आप याद रखिएगा। प्लैनेट बिटवीन सन और अर्थ कौन सा होगा, मरकरी और वीनस। साइंटिफिक नेम जो है आपको दिया गया है अर्थ का बिकॉज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है ग्रीन प्लैनेट। कौन सी कंडीशन आपकी रिलेवेंट है अगर मार्स पे आप लाइफ की प्रेजेंस देखेंगे, तो आइस कैप और फ्रोजन वाटर, इसीलिए सब लोग, पूरी दुनिया के लोग मार्स पे अपने अपने मिशन भेज रहे हैं। फिनिक्स जो मार्स लैंडर है वो कहाँ पे गया था, मार्स पे गया था, और ये डेट लिखी हुई है, हालांकि ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी गलत। उसके बाद मार्स से रिलेटेड अगर आप देखें तो ए तो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ये वीडियो सीरीज पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं क्रॉस चेक करके पूरा बता दूंगा आपको जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी आपकी। और तो ये आपको, मतलब जो लोगों ने खरीदा भी हुआ है तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा वीडियो से, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये रहेगा कि मतलब कोई फैक्ट गलत नहीं जाना चाहिए, मेन बात ये है, हमारी तरफ से तो नहीं जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है 93 वाला, कि इसमें आपका ए फॉल्स है और बी ट्रू है, ठीक है, कि डायमीटर जो होती है मार्स की वो आपकी कम है अर्थ से, और ए वाला फॉल्स है। फिर उसके बाद है कि अगर आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ इट्स डे और जो टिल्ट ऑफ एक्सिस है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल किसका है, किस प्लानिट का, मार्स का और अर्थ का, ठीक है। उसके बाद कौन सा जो प्लानिट है मैक्सिमम टाइम लेगा वन रिवोल्यूशन के लिए, वो लेता है आपका, अच्छा इन चारों में से पूछा है, तो इन चारों में से तो ऑब्वियस ही बात है जुपिटर, ठीक है। रिंग जो होती है जुपिटर की वो क्या उसके किससे बनी होती है, सिलिकेट से। हैवीएस्ट प्लानट सोलर सिस्टम का कौन सा है, जुपिटर, ठीक है। और बिगेस्ट प्लानट भी जुपिटर है, जुपिटर को क्या बोलते हैं, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा प्लानट भी, सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है, और सबसे हैवी वाला भी ग्रह आपका ये बृहस्पति है, जुपिटर। इनमें से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटेलाइट किसके हैं, जुपिटर के, ठीक है। अच्छा सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट किसके हैं ये सेटेलाइट, 100वां क्वेश्चन है कि किसने जो है, किस साइंटिस्ट ने जुपिटर के मून्स को, यानी कि जुपिटर के जो सेटेलाइट हैं उनको डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 101 वाला क्वेश्चन है कि ये आपको दिए हुए हैं चार बॉडी, इनमें से सबसे ज्यादा जो लाइफ की पॉसिबिलिटी वो कहाँ पे, वो जुपिटर के मून यूरोपा में है। हालांकि ये उस टाइम की करंट अफेयर है, आज के लिए शायद इतनी रिलेवेंट नहीं होगी। ये सेकंड वाला पार्ट यहीं पे एंड करते हैं, थर्ड वाला पार्ट था ये, अब इसको आपको चौथे वाले पार्ट में, कल वाला पार्ट काफी लंबा बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम शेयर कर दिया करिए, लाइक और शेयर कर दिया करिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें इंगेजमेंट आप रहिए। और दूसरी बात ये कि हिंदी वाला जल्दी मिलेगा, नीलेश जी से बात हो गई है, वो जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।